बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज बेटा हमने टेस्ट जो है वो 5 पार्ट 1 का जो है वो डिस्कस करना है, जिसके अंदर जो चैप्टर जो इंक्लूड है वो 4, 12 और जो है बेटा वो 10 शामिल है। 10 का जो है बताता जाऊँ, ये सेकेंड हाफ जो है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगा। चले इस टेस्ट के MCQs जो है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। MCQs नंबर 1, द गॉल्जी ऑपरेटर्स इज एबसेंट इन। देखो बेटा, गॉल्जी ऑपरेटर्स एक जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है ये, ठीक है ना। और आप जानते हो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। यीस्ट, हायर प्लांट्स और लीवर सेल, ये यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल है, जबकि ब्लू ग्रीन एलजी जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल है। तो डेट्स वाई गॉल्जी ऑपरेटर्स ब्लू ग्रीन एलजी में एबसेंट होगा। इस सवाल का आंसर बनेगा डेल्टा। देन MCQs नंबर 2, द गॉल्जी ऑपरेटर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। गॉल्जी ऑपरेटर्स जो है बेटा, जो सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। आप जानते हो ना, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो इसी से ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा अल्फा। देन MCQs नंबर 3, दीज आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। देख लेते हैं। देखो बेटा, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होती है, प्लांट में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा ये प्लांट में होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर जो है ये पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन MCQs नंबर 4, हाइड्रोफोबिक जोन इन द सैंडविच मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन लाइज ऑफ द प्लांट। देखो बेटा, हाइड्रोफोबिक जोन कौन सा होता है देख लेते हैं हम। अब ये देखिए, ये सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग डायग्राम है। अब देखिए, जो ये जो फास्फोलिपिड के जो है, जो टेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रो, ये देखो मेंशन भी किया हुआ है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। जबकि प्रोटीन और इसका हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिक जोन आप देख सकते हो कि इनर साइड के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो बेटा इन इनर सर्फस, तो ये इनर सर्फस के ऊपर जो है बेटा ये पाया जाता है। तो डेट्स इट, इसका आंसर बनेगा चार्ली। क्रिप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्व इन। देखो बेटा, क्रिप्स क्या होते हैं? क्रिप्स ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जो मतलब एंडोथेलियल सेल के अंदर होते हैं, जो मतलब विलाई की जो एक तो इसके वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल आते हैं उनको तो विलाई कहते हैं, लेकिन जो उसकी लाइनिंग के अंदर होते हैं उनको क्रिप्स कहा जाता है। देखो यही विलाई जब जो है बेटा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके अंदर है तो तब आप इसको क्रिप्ट का नाम देते हो। ये क्रिप्ट जो है वो नई विलाई बनाने के अंदर जो है वो इनका किरदार होता है। इसके अलावा ये सक्रीशंस भी करती हैं, तो आप देख सकते हो फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल, बिल्कुल ये नए सेल बनाने में हेल्प करते हैं। सक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, बिल्कुल, और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, ये तीनों फंक्शन जो है बेटा वो इसके होते हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज। देखो बेटा, माल्टेज माल्टोज के ऊपर काम करता है, और आप देख सकते हो जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, तो टूटेगा भी जब जब माल्टोज टूटेगा तो फिर ग्लूकोज ग्लूकोज ही बनेगा। तो डेट्स वाइज का आंसर बनेगा चार्ली। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बेटा सक्रोज बनता है, जबकि ये वैसे डाइसैक्राइड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से जो है बेटा लैक्टोज बनता है, माल्टोज नहीं बनता, तो इसलिए आंसर चार्ली आएगा। इलियोकोलिक स्फिंक्टर इज कंपोज। देखो बेटा, ये जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं जो इनवोलेंट्री नेचर के होते हैं वो सारे स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटे वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है ना। तो डेट से इसका आंसर बनेगा चार्ली। स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स वो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, वो इसके ऑप्शन में नहीं आएगा। 8, हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक कैन काज। देखो बेटा, हाइपर एसिडिटी जब बहुत ज्यादा एसिड बढ़ता है तो इससे डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, और ये कंटिन्यूस अगर रहता है तो इससे फेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, इसलिए आंसर डेल्टा ज्यादा सुटेबल है। बॉडी इज ईल लाइक। देखो बेटा, ये फिश होती है, साइक्लोस्टोमेटा कैटेगरी की है, कि इनकी बॉडी बिल्कुल सीधी होती है, ईल लाइक होती है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा अल्फा। ये देखे ना, ये बॉडी ईल लाइक आपको दिखाई भी दे रही है। MCQs नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश कंटेन द लंग्स। डिप्नॉई ऐसी फिश थी बेटा जिसके अंदर लंग्स थे, यही कहा जाता है कि इसे एम्फीबियन ड्राइव्ड हुए थे। आप देखो ना, ये डिप्नॉई फिश है, ये लंग्स कंटेनिंग फिश थी। तो 10 का बेटा आंसर बनेगा डेल्टा।
देन लास्ट एमसीक्यूज द प्री कॉर्डेट्स इज एन अदर नेम. देखो बेटा प्री कॉर्डेट जो है वो हेमी कॉर्डेट्स को कहा जाता है क्योंकि इसके फौरन बाद के जो है वो कॉर्डेट्स की कैटेगरी लाई करती है. इसमें जो है इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट दोनों तरह की खसूसियात जो है वो पाई जाती थी, इसलिए इनको प्री कॉर्डेट्स कहा जाता था. आंसर इसका बनेगा बीटा. यहाँ पर बेटा हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई. आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आई विल आंसर. थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.